एक बैकपैक लेके दुनिया का कोना कोना देखने का सपना तो बचपन से ही था, लेकिन उसको जीने की खुशी कुछ और ही है। सो लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज आई हैव ट्रैवल्ड टू। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे टू इन उज़्बेकिस्तान। तो आज हम लोग निकल रहे हैं तशकंद से समरकंद के लिए। तो हम लोग उठ गए थे सुबह जल्दी, 9 बजे की हमारी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। आज तो थोड़ा सा सीन ऐसा है कि हमारी ट्रेन 9 बजे की है और यहाँ पे जो एंड का पैच है ना बिल्कुल रेलवे स्टेशन का, उसमें तो टाइम 14 मिनट्स दिखा था पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो आई डोंट नो कि हम लोग अपनी ट्रेन कैच भी कर पाएंगे या नहीं होता तो समझ भी आ जाता। हम लोगों ने भाग भाग के भी फाइनली मेड इट टू द ट्रेन। बोलो किसने भाई, हम दोनों भाग भाग के जैसे कैसे उन लोगों ने ट्रेन पकड़ी है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, प्लीज़ टाइम पर आना। Thank you. Yep. On the right, sit down. So that's how the train looks. We have to keep our bags here. Some shoes. तो इंडिया की तरह यहाँ पे भी आपको ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ट्रेन में ना ये लोग पैनकेक्स सेल कर रहे थे और भी स्नैक्स वगैरह। तो पैनकेक्स मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली कि हम मीठा वाला पैनकेक खाते हैं, दिस इज़ लाइक डोसा की फिलिंग के अंदर आलू, मतलब वही मसाला पर नॉट मसाला डोसा टाइप, बट आलू भरा है, प्लेन आलू प्याज वाला, बट टेस्टी है सो। बट ठंडा है तो बिल्कुल जैसे फ्रिज से निकाल के दिया होगा वैसे वाला है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। शुगर हाँ जी, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। डॉट टू डॉट था ट्रेन का टाइमिंग, बिल्कुल कुछ वैसे डिले नहीं था। तो 11 बजे और हम लोग पहुँच गए, 2 घंटे की जर्नी थी ये वाली। तो हम लोग समरकंद पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है मौसम, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे मौसम इतना ठंडा होगा। मतलब बाहर निकलते ही जितने हमारे यहाँ पे नवंबर मिड नवंबर एंड में ठंडा होता है उतना ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे। हमने ना हमारी जैकेट हैंडी रखी है तो निकाल के जैकेट पहनते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। काम नहीं चल रहा था तो मैंने अपनी जैकेट भी हैंडी रखी थी तो ये निकाल के पहन ली। एंड फाइनली अभी हम लोग जाके अपने देखते हैं स्टे का क्या, कहाँ पे स्टे करना है, बिकॉज हमने कुछ बुक नहीं किया हुआ जी। समरकंद स्टेशन, ट्रेन स्टेशन अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अपने हॉस्टल, हॉस्टल का नाम मैं नीचे डाल दूंगी। तो यहाँ तक आने के हमें लगे 22,000, सो 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ये है हमारे हॉस्टल का कॉमन रूम। हॉस्टल में ज़्यादा लोग अभी तो नज़र नहीं आ रहे, देखते हैं बाद में। आर अ लॉट ऑफ पीपल स्टेइंग हियर,
Or is it empty today? No, not a lot. Not a lot? Empty? Yeah. What's like the peak season to come here? What's the peak season? Best season to come here? Spring. Oh, spring. Yeah, summer also. That's our room? Yeah. Okay. See your rooms. Okay, so ये हमारा कमरा है यार. ये स्टे हमने बुक किया है कुछ 2000 रुपये में, तो मेरा और प्राची का स्प्लिट होके हो जाएगा 1000-1000. ये वॉशरूम है, काफ़ी डिसेंट है. और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं समरकंद उज़्बेकिस्तान में. कल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, थोड़ी सी जगह तुम्हें मैंने दिखाई कैसी है. और आज हम यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो करने वाले हैं. दिस प्लेस दैट वी एक्सप्लोरिंग इज़ गुरेमेर. आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, मैं नाम नीचे डाल दूँगी. 60,000 सॉन्ग. तो यार यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है अराउंड 30,000 सॉन्ग पर पर्सन. और अंदर आई थिंक यहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं. मतलब मुझे यहाँ पे अंदर छोटी सी मार्केट टाइप की दिख रही है. मेरा जुप्पा है जापानी, सर पे ला हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. प्यार प्यार नारो जिंदगी हमें तेरा. ओए तू बानी रा रोयो सिंग. ओ सो नाइस. नाइस नाइस. इसकी किनो किनो नेम 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 इज नाइस. डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. दिस स्कार्फ मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो ये मैं इससे कोशिश कर रही हूँ कि मुझे 1,00,000 सोम का दे दे, पर ये 1,60,000 सोम का बोल रहा है. 1,00,000 सोम. 1,50,000. 1,00,000. 1,00,000 सोम. 1,00,000. यस. 1,50,000. ओके. 1,00,000. 1,00,000. 1,30,000. 1,00,000. नो इट्स नॉट लाइक दिस. यस. 1,00,000. लास्ट. ओके ओनली फॉर यू. ओके ओके. तो हम लोग रेगिस्तान स्क्वायर पहुंच गए हैं. यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है कुछ 50,000 340. सो 50,000 उज़्बेकिस्तानी सॉम, विच इज़ अराउंड 340 इंडियन रुपीज़. तो दोनों के टिकट्स ले लिए, चलो. तो यहाँ पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं. और पहले के टाइम पे ये जगह ना उस चीज़ के लिए यूज़ होती थी कि जैसे कोई रॉयल अनाउंसमेंट करना है या जब लोकल बाज़ार लगने होते थे, तो ये पूरा आप देखोगे इस तरीके की जगह है. तो जो पूरी जगह है ये कम्युनिटी गैदरिंग के लिए यूज़ होती थी. और बहुत ही प्यारे से ब्लूज़ हैं, सैंडी कलर्स हैं इसमें, पूरे जगह में ही है वो तो, बट बहुत ही प्यारा. Uzbekistan, right? Yes, from Samarkand. I was born in Samarkand. Okay. But now I live in Tashkent. Oh, now you live in Tashkent. What yes. do you do? I am a student. You're I a student? Oh, okay. World okay. Language University in Tashkent. Oh, that's so nice. What about you guys? We are from India. We're content creators. All the other places, yahan pe bhi andar shops hain, and you can buy a lot of traditional stuff. Jo maine aapko kal bhi dikhaya tha. So, kuch is tarike ki shops hain yahan pe. इस तरीके से फोटोज़ खिंचवा सकते हो, जो हम सोच रहे थे कि हम खिंचवाएंगे, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो काफ़ी अच्छी वाइब है यार जगह की. अंदर अलग ही दुनिया चल रही है. अंदर आके ना यहाँ पे
बहुत ऐसे एंशंट वाइब है इस जगह की, बिकॉज सामान सारा वैसा है. यहाँ पे ऐसे थ्रोन्स पड़े हुए हैं, फोटो प्रॉप्स हैं बहुत सारे इस तरीके के. तो ये देखो, मैं तुम्हें ये भी दिखाती हूँ. वेट, इस तरीके का सामान है. ऐसा इंडिया में भी होता है वैसे, बट अ बिट ऑफ अ डिफरेंट वाइब. यहाँ पे इन लोगों की ये इस तरीके की जो पहले के टाइम पे कैप्स पहनते थे वो भी है. तो यार ये वाला काफ़ी डिफरेंट है. अंदर से आओगे तो दोनों साइड पे ऐसे बने हुए हैं, स्मॉल लेन गोइंग. मुझे ये वाला उस वाले से, रेगिस्तान स्क्वायर से ज़्यादा सुंदर लग रहा है एक्चुअली. और यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा हो रहा है, तो तुम यहाँ पे सनसेट आवर्स में आ सकते हो. अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ का लास्ट है, सीओ बाज़ार. एंड जस्ट बाय द वे, ये वाली जो लोकेशन है ये रेगिस्तान स्क्वायर से हमें ज़्यादा अच्छी लगी. तो अगर आप लोगों का ऐसे अपना टाइम मैनेज करना, तो आई सजेस्ट यहाँ पे पहले आना. और फ़ोटोज़ भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी आई हैं, दिखने में भी जगह ज़्यादा सुंदर लगी हमें. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा. ये कुछ ऑप्शन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ की ऑथेंटिक डिशेज़ हैं.